डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज समय और काम के 9 गणित को केवल 11 मिनट में वैल्यू एडेड मेथड से चलिए हम सीखते हैं। और इस सीखने के क्रम में कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए जानना अत्यावश्यक है। देखिए, समय और काम के सीरीज में मैं 108 सवाल को 4 विधि में जो करना चाहता हूं मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस बारे में मैंने वैल्यू एडेड मेथड क्या है जो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में ही दिया हुआ था, और उस वीडियो में मैंने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बताया था और उसका लिंक मैंने यहां पे दिया हुआ है। दिस वैल्यू एडेड मेथड से हम पहले विधि का 108 सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए, पहले एक सवाल को हम दो बार करेंगे मैटर को थोड़े से हल्के में समझने के लिए। तो पहला जो देखिए बोला गया है कि ए कोई काम 6 दिन में करता है, चल यार रोटी खाने के काम करता है। ए, हम इसे रोटी खाना पकड़ लेते हैं काम को। तो ए 6 दिन में घर में कुछ रोटी रखा है, अकेला खाता है तो 6 दिन लगता है। बी वही रोटी खाता है तो उसे 9 दिन लगता है। तो देखो, हमें करना क्या है, 6 और 9 में से एक ऐसी संख्या ढूंढ के निकालना है जिसको 6 भी काटता है 9 भी काटता है। तो देखो, हमने 36 ले लिया। क्यों? 6 6 36, 4 9 36। तो समझ गया ना, ये सबसे बड़ी बात है, यही वैल्यू है। हमने एक वैल्यू ढूंढ के निकाला, बस इतनी सी काम करना पड़ता है, बड़ा आसान है यार। अब देखो हमने क्या किया, भैया 36 रोटी घर में है, 6 रोटी ए को 6 दिन लगते हैं रोटी खत्म करने में, मतलब हर दिन का 6 रोटी खाता है, 6 6 36। बी को आपको 9 दिन लगते हैं रोटी खाने में, खत्म करने में, जो रोटी घर में रखी है 36 रोटी, तो मतलब हर दिन 4 रोटी खाता है। दोनों मिलके तो 6 और 4 10 रोटी खाएंगे, और अगर 36 रोटी है दोनों खाते हैं तो 3.6 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो यही समय और काम है। इसी वैल्यू एडेड मेथड से हम 60% सवाल को कर लेते हैं। चलिए हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। देखिए, यही सवाल को फिर से हमने दिया, अब इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब 36 कैसे आया, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना था तो हमें 6 और 9 से काट जाए तो उसको अगर एलसीएम लेते हैं तो 36 होता है। तो दिमाग में एक बैठा लेते हैं कि अगर दो संख्या, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दो कोई निश्चित संख्या काट दे तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। चलिए, ये बात तो हमें समझ में आ गई और हमने ये किया भी है। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब घर में रोटी पड़ी हुई है, ए अकेला खाता है तो 12 दिन लगता है, ए तथा बी उसे खाता है तो 8 दिन लगता है। देखो, 12 और 8, फटाफट सोचो यार कौन सी संख्या होगी। तो 12 से तो ज्यादा होगा 12। अब देखो, बड़े संख्या जो है ना इसका पहाड़ा पढ़ा जाता है, 12 दूनी 24। अब देखो, 12 दूनी 24, 8 3 24, मतलब 24 वो संख्या है, अर्थात 24 रोटी है। ए तथा बी अगर 8 दिन में खाता है तो दिन का 3 रोटी खाता है, और ए अकेला खाता है तो दिन का 12 दूनी 24 2 रोटी खाता है। तो मतलब ए प्लस बी 3 रोटी, ए 2 रोटी, तो बी का मतलब हो गया 1 रोटी हो गया ना यार। तो फिर बी 1 रोटी खाता है, घर में 24 रोटी पड़े हैं, कितने दिन लगेंगे यार, 24 को 1 से भागा दे दिया 24 हो गया। अब हम इस सवाल पे आते हैं। देखो, यहां पे 4 है, 3 है, 2 है, 4 3 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल है, 12 है। अब देखो, 12 रोटी की कहानी है, हर घंटे में होता है, ए 4 घंटे में खत्म कर देता है तो घंटे में ए 3 रोटी खाता है। अब देखो, बी और सी 3 घंटे में खत्म करता है तो मतलब बी और सी 4 रोटी प्रति घंटे खाता है। और देखो, ये पीछे चले गए, और जो है हम ए और सी जो है वो 2 घंटे में 12 रोटी खत्म कर देता है, 1 घंटे में 6 रोटी। देखो, घंटे का हिसाब पहले निकालना पड़ता है। अब हमें देखो अलग निकालना है, काहे कि हमें पूछा है बी का, हमारे पास बी प्लस सी है तो बी को निकालने के लिए सी को छांटना होगा। अब देखो, सी जो है ए प्लस सी है, अब ए प्लस सी 6 है, ठीक है ना, और हमारे पास सी 3 यूनिट है। ए प्लस बी से अगर ए प्लस सी 6 यूनिटियां कहां से आया, हाँ, बी और सी 3 ए, अच्छा ए और सी 2 घंटे में करता है तो ए प्लस सी 6 यूनिट है। अब 6 यूनिट में से अगर मैं सी 3 यूनिट बोलता है उसे घटा देता हूं तो क्या निकलेगा यार, तो ए प्लस सी से अगर ए का 3 यूनिट निकाल देता हूं तो क्या निकलता है, सी 3 यूनिट, 3 रोटी। और B प्लस सी में 4 रोटी घंटे का खाता है जिसमें C 3 रोटी खा लेता है तो B क्या करेगा, 1 रोटी खाएगा। 12 रोटी के लिए यार 12 घंटे चाहिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितना बी और सी में। चलिए देखो, 10 और 50, अभी तो हमें क्या है, 10 और 50 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10 और 50 का यार 50 होगा। पहले क्या बोलता है, देखो पहले बोलता है क्या है कि ए और बी 10 दिन में करता है, 10 दिन में 50 रोटी खाता है, तो दिन का 5 रोटी होगा ए प्लस बी। फिर बोलता है सी अकेला 50 दिन लगता है 50 रोटी खाने के लिए, तो सी को भैया दिन का 1 ही रोटी खाता है। फिर बोलता है ए उतने समय में जितना रोटी खाता है, बी और सी उतना ही रोटी खाता है, ठीक है ना। तो हमने पकड़ लिया कि चलो ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी 5 यूनिट है, 5 रोटी है, सी 1 रोटी है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 रोटी। लेकिन यहां क्या बोला है, देखो ए जितनी रोटी खाता है 1 घंटे में, बी और सी उतनी ही रोटी खाता है। तो बी और सी के जगह पे हमने ए को डबल कर दिया, मतलब 2 ए मिलके घंटे का 6 रोटी खाता है, तो ए 1 घंटे में 3 रोटी खाएगा, और ए और बी 5 रोटी खाता है, तो बी मतलब 2 रोटी खाएगा। अब पूछा क्या है कि बी अकेले 50 रोटी कितना घंटे में खाएगा, ये दिन में खाएगा। अरे भैया बी तो 1 दिन में 2 रोटी खाता है, तो 50 रोटी खाने के लिए उसे 25 दिन चाहिए होंगे। देखो इस तरह से सारे सवाल हैं। देखो यहाँ 72 दिन, ए और बी 72 दिन, बी प्लस सी 120 दिन, ए प्लस सी आपका 90 दिन है। अब तीनों का 72, 120 और 90 का एलसीएम निकालोगे तो 360 है। और इसका बड़ा सिंपल है कि 120 का पहाड़ा पढ़ो, 240 90 से नहीं जाएगा, 120 को 3 करोगे 360, ये दोनों भी उसमें चले जाएंगे। अब देखो 72 को 360 से दोगे तो 5 यूनिट, 120 से 360 को भागा दोगे तो 3 यूनिट, 90 को 360 से भागा दोगे तो 4 यूनिट। अब यहां जोड़ोगे तो 2a 2b 2c है, और यहां जोड़ोगे तो 12 है, तो फिर 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12 होगा। a प्लस बी प्लस सी 2 से भागा तो 6। अब देखो भैया 360 रोटी है, a प्लस बी प्लस सी दिन के 6 रोटी खाते हैं, तो कितने रोटी कितने दिन जाएंगे, 60 दिन जाएंगे 360 को अगर 6 से भागा दोगे। तो बहुत ही सिंपल है यार, कोई कुछ सोचने की तो बात हो ही नहीं रही है। देखो 5 पुरुष 6 दिन मतलब 30 हुआ, 10 महिला 5 दिन 50 हुआ। अब देखो इनके बीच में एक ऐसी संख्या है जो जो 30 भी काटे 50 भी काटे तो सीधा 150 होता है यार, क्यों, 30 5 150, 50 3 150। अब देखो 5 पुरुष 6 दिन मतलब 5 6 30, 30 को 150 से किया 5, तो मतलब 1 पुरुष बराबर 5 रोटी। फिर देखो 10 महिला 5 दिन, 10 5 50, 1 महिला बराबर 3 रोटी। अब बोलता है 5 महिला, अब 5 महिला 1 महिला 3 रोटी खाती है, तो 5 महिला 15 रोटी। 3 पुरुष है, 1 पुरुष 5 रोटी खाता है, तो 3 पुरुष बराबर 15 रोटी, 15 रोटी 15 रोटी 30 रोटी हो गया। 150 रोटी घर में है, 30 से भागा देंगे तो यार 5 दिन चलेगा। कहीं लगता है कि आप गणित कर रहे हैं, इट्स सो इजी, बार बार बोलता हूं, भूल जाना लिमिट का, भूल जाना सब कुछ, ऐसे शुरू करो। 5 विधि में सारे अंक गणित होते हैं, तो सारे अंक गणित, इस बात को याद रखना, ये 63 साल का बुड्ढा बोलता है तुम्हें, तो जिसको उस नजरिए से देखो। अरे हमारा काम है गणित को सरल करके देना, न कि सरल गणित को कॉम्प्लेक्स करके देना। चलिए फिर आप देखते हैं, 1 पुरुष 10, 1 काम 10 पुरुष, 10 और 12 क्या हुआ 120, 10 3 6 दिन क्या हुआ 10 6 60। अरे इसका यार एलसीएम क्या निकलेगा, 120। चलो अब करते हैं, 120 है। अब देखो 10 पुरुष 12 दिन मतलब 120, मतलब 1 दिन का 1 यूनिट करेगा, तभी तो ये 12 दिन में 10 पुरुष कर पाएंगे। तो 1 यूनिट करके 10 पुरुष कितना दिन करता है दिन का, यार 10 यूनिट। अब देखो 10 3 6 दिन में करता है 120 यूनिट, तो 1 दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। 10 3 है तो कितना होगा, 20 यूनिट, और 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30 यूनिट, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दिन का 30 यूनिट करेंगे, या बोलो दिन के 30 रोटी खाएंगे, घर में 120 रोटी है, 120 को 30 से भागा दे दो तो 4 दिन में काम हो जाएगा। अब दूसरा ले तो ए बी और सी अकेले अकेले, देखो 10 12 और 15 है यार, इसकी एलसीएम निकालो, वही 120 होगा। अब 120 को अगर 10 से भागा दोगे तो 12 होगा, 12 से भागा दोगे तो 10 होगा, 15 से भागा दोगे तो 8 होगा। मतलब क्या है, ए 10 रोटी ये 12 रोटी, बी 10 रोटी सी 8 रोटी, तीनों मिलके कितना खा रहे हैं यार, हर दिन का 30 रोटी खा रहे हैं, 120 है तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं,
बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखो उसको लिखने, इसकी लिखने की स्टाइल को आपको समझना होगा, यह काफी जरूरी है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे की बात को बताएंगे आपको। देखो क्या बोला हुआ है, 1/6 समय में, 1/6 समय में बी उतना काम करता है जितना ए आधे समय में। तो 1/2 ए बराबर 1/6 बी, समय है काम नहीं है। अब इसको काटो तो 3a बराबर बी, ये समय के अनुसार, मतलब 3a को, a को 3 गुना समय लगता है b के मुकाबले। तो फिर क्या होता है, देखो इस समय में जो है b 3 यूनिट कर लेता है, a केवल 1 ही यूनिट काम कर पाता है। और दोनों मिलकर कितना करेंगे, एक साथ करेंगे तो 4 यूनिट काम करेंगे। और कुल काम कितने दिन में खत्म होते हैं, 10 दिन में खत्म होते हैं। तो टोटल काम कितना था भैया, तो टोटल काम देखो वही 40 यूनिट जो हमने लिया हुआ है। अब बोलता है खाली अगर इसे बी अकेला करेगा तो बी कितना दिन में करेगा, तो फिर ओहो हो यहां पे गलती हो गया, ए अकेला करेगा तो पूछा है ना, तो ए इसे 40 दिन में करेगा। तो चलिए हमने अभी तक जो किया है, देखिए अभी जो आगे का अगर लिंक आपको चाहिए, जो इसके बाद का जो लिंक है, तो फिर ये आपको यहां पे क्लिक करते ही मिलेगा। तो चलिए कुछ बातों को और भी आगे हम कर लेते हैं। जैसे संपूर्ण गणित का मैं आपको पता है पेन ड्राइव देता हूं, वो डाउनलोड टाइप 360 रुपए में, पेन ड्राइव कॉस्ट जो है आपका पेन ड्राइव के कॉस्ट को लेकर 910 रुपए में है, जो किसी भी परीक्षा के लिए उपयुक्त है। अगर लगेंगे तो मुझे जरूर इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे। अब आता हूं मैं कि अगर बहुत लोगों का बेसिक बहुत ही कमजोर है, ये फ्री में इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। फिर कुछ मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है जो आपके लिए काफी जरूरी है। तो आपने समय दिया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और लग रहा है कि किसी तरह से मैं आपके लिए उपयुक्त हूं, तो जरूर मुझे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।